Hello students, welcome to Hope Foundation Bhuj. I am Swapan Kumar and today we are going to learn about Microsoft Excel Part 1. Okay students, आप सबको मैं welcome करना चाहता हूँ और आज मैं आपको Microsoft Excel में Part 1 दिखाने वाला हूँ, बस सिखाने वाला हूँ. तो चलो देखते हैं. तो सबसे पहले हम Excel का जो main formatting tools के नाम है उसके बारे में हम जान लेते हैं. ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007. ये जो फॉर्मेटिंग टूल्स है ये 2007 में है. बाकी जो 2016 या 19 में आप अगर देखोगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है. मेन जो फंक्शन है वो सब सेम ही रहता है. कैसे ओपन करना, अगर आपके पास विंडोज 7 है और आपके पास अगर ऑफिस 7 है तो आपको गो टू स्टार्ट मेन्यू में जाना पड़ेगा, देन ऑल प्रोग्राम, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन एक्सेल 2007. आपके पास अगर 2016 या 2019 का वर्जन है एमएस ऑफिस और आपके पास अगर विंडोज 10 है तो डायरेक्ट सर्च बार में लिख सकते हो एक्सेल लिखोगे तो भी आपको आ जाएगा. ठीक है, तो अगर 7 की बात करें, ये तो तीनों आप जानते ही हो कि क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर. आप यहाँ पे नाम देख पा रहे हो 1, 2, 3 में क्या है ना, क्लोज बटन 1. जो सेकेंड नंबर है वो क्या है ना, मैक्सिमाइज बटन या रिस्टोर बटन. जैसे हमने वर्ड में सीखा था सब कुछ सेम नेम है ऑलमोस्ट. एंड थर्ड है मिनिमाइज मैक्सिमाइज. यहाँ पे जो नया है वो मैं आपको बता दूँ, जो 4 नंबर है कॉलम हेडिंग है. ठीक है, ये इसको, ये जो जो स्टैंडिंग लाइन दिख रहा है आपको इसको बोलते कॉलम बोलते, और ये जो स्लीपिंग लाइन है इसका नाम है रो. ठीक है, सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो ये जो 1, 2, 3, 4 है लेफ्ट साइड में इसका नाम है कॉलम हेडिंग. ठीक है, ये जो स्टैंडिंग लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉलम, और इसका जो हेडिंग है 1, 2, 3, 4 करके इसको बोलते हैं कॉलम हेडिंग. देन उसके बाद टाइटल बार 5 नंबर जो है आप जानते हो, जैसे हमने वर्ड में सीखा था उसी का नाम टाइटल बार था. देन 6 नंबर में फॉर्मूला बार. ठीक है, ये जो जगह है इसका नाम है फॉर्मूला बार. इससे क्या होता है कि जो भी हम फॉर्मूलाज लिखते हैं एक्सेल में सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे क्या क्या आपने फॉर्मूला यूज़ किया. ओके, देन 7 नंबर जो है फॉर्मेटिंग टूल्स है. 7 नंबर आप देख पाते हो यहाँ पे, ये जैसे वर्ड में था ऐसे इसमें भी है फॉर्मेटिंग टूल्स है. देन मेनू बार जो है, हम सब वर्ड में ही देखा था होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट, डिज़ाइन जो भी था वहाँ पे. देन रो हेडिंग, हाँ इसका नाम है रो जैसे मैंने बोला, और आपको जो ए बी सी डी एफ लिखा है ऊपर इसका नाम है रो हेडिंग. इसी का नाम रो और रो हेडिंग इसका नाम है. आपका ए बी सी डी को क्या बोलेंगे, रो हेडिंग हम बोलेंगे. ठीक है, देन उसके बाद है 10 नंबर में क्या है, नेम बॉक्स. ठीक है, ये जो 10 नंबर दिख रहा है यहाँ पे जो है नेम बॉक्स, हर एक ये जो बॉक्स है ना इसका नाम है सेल बोलते हैं. 18 में आप अगर देखोगे इसका नाम है सेल, CELL. तो ये जो हर एक छोटा छोटा स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है इसका नाम है सेल. ठीक है, अभी हर एक सेल का एक एक नाम होता है. अब जो नाम आप है वो आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखाई देगा 10 नंबर में. ठीक है, देन आपका 21 में क्या हो रहा है ना, वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं. ठीक है, आप 21 देखोगे ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार. 20 नंबर देखोगे तो क्या है ना, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है. ठीक है, देन हम देखें क्विक एक्सेस टूल बार में क्या, 11 नंबर में क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से सेव एज सेव कर सकते हो. देन ऑफिस बटन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जो 2016 में ये निकल गया यहाँ पे फाइल कर का ऑप्शन आ गया. ओके, देन स्टार्ट बटन आप सभी जानते हो. देन रो में मैंने आपको पहले बता दिया ये जो स्ट्रिपिंग लाइन है ये सभी क्या है, रो बोलते हैं. ठीक है, स्टैंडिंग लाइन कॉलम, स्लीपिंग लाइन रो. तो ये पूरा को क्या बोलेंगे, एक बुक बोलते हैं. बुक आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऊपर लिखा आ रहा है बुक. ठीक है, क्या लिखा आ रहा है, बुक 1 करके लिखा आ रहा है. ठीक है, तो एक बुक के अंदर कितना शीट है, 3 शीट यहाँ पे दिख रहा है. देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3. ठीक है, सो अभी हम क्या देखेंगे कि ईच बुक हैज 3 शीट. जैसे मैंने बात किया कि एक बुक के अंदर कितना शीट है, 3 शीट है. देखो शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. ठीक है, अभी हर एक शीट के अंदर एंड वी कैन एडेड मोर शीट्स टिल 255. हम लोग क्या कर सकते हैं कि
ज़्यादा हम 255 तक ऐड हम कर सकते हैं न्यू शीट, ठीक है। यहाँ से शीट वन, शीट टू, फिर फोर, फाइव करके कहाँ तक होगा, 255 तक शीट्स हम एक बुक के अंदर कर सकते हैं ऐड, ओके। देन क्या है, ईच शीट्स कंसिस्ट ऑफ 16,384 कॉलम, एक एक शीट के अंदर, ठीक है, एक एक शीट के अंदर ये जो कॉलम है, जो स्टैंडिंग लाइन देखते हैं कितना है ना, 16,384, जिसका टाइटल है, कॉलम हेडिंग है XFD, ठीक। ये भी हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आप देख सकते हो कि लास्ट तक, ठीक है। एंड देन कितना रो है, एक शीट के अंदर कितना रो है ना, 10,48,576। आप अगर देखोगे ये जो रो है ना, 1, 2, 3, 4 करके जो रो है, ये कितना है, 10,48,576 रो है। तो आप सोच सकते हो कि एक शीट में आप कितना कुछ लिख सकते हो, और उससे अगर एक बुक की बात करें तो अनलिमिटेड समझ लो इतना आप लिख सकते हो, लेकिन इसका मैक्सिमम जो लिमिट है यहाँ। लेकिन हम एज अ नॉर्मली अगर कुछ हम वॉक करते तो हम कभी भी पूरा बुक को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा रो और कॉलम्स है, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन था एक्सेल के बारे में। अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट कि एक्सेल में से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। हम जैसे अब मेरे पास 2016 का है, तो मैं यहाँ पे सर्च में लिखूंगा एक्सेल। जैसे लिखूंगा एक्सेल, आप देख पा रहे हो एक्सेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से ब्लैंक शीट ले सकते हो, भाई यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट कुछ है, जैसे हमने वर्ड में देखा था सेम ऐसे एक्सेल में भी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक ले लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, बुक बोलते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे सिखाया था। अब जैसे क्लिक करोगे तो देखो ये आपका पूरा बुक ओपन हो गया। आप यहाँ पे टाइटल बार में देख पा रहे हो कि बुक वन लिखा है, इसका पूरा नाम है बुक। और हम यहाँ पे देखो शीट, एक ही शीट है यहाँ पे। आप अगर चाहो यहाँ से प्लस का सिंबल में क्लिक करोगे तो शीट टू, शीट थ्री करके आएगा। ऐसा ऐसा कर करके हम कहाँ तक कर सकते हैं, बोला 255 तक शीट हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एक सेल का नाम होता है, आपको ये जो बॉक्स होता है इसका नाम है सेल, तो सभी सेल का एक एक नाम होता है, ठीक है। तो नाम को हम कैसे फाइंड आउट करना, कॉलम हेडिंग है ना, रो हेडिंग को बोलना। जैसे किसी का नाम होता है सुरेश राजपूत, तो सुरेश उसका नाम होता है और राजपूत उसका सरनेम होता है, ठीक है। सेम ऐसे अगर आपको सेल का नाम फाइंड आउट करना है तो कॉलम हेडिंग उसका नाम होगा और क्या रो हेडिंग उसका सरनेम बा टाइटल होगा। तो सपोज मैं ये सेल के अंदर सिलेक्ट किया, तो इसका कॉलम हेडिंग क्या है, जी। इसका रो हेडिंग क्या है, 3। तो आप देखते हो यहाँ पे नेम बॉक्स में उसका नाम दिख रहा है G3, ठीक है। सेम इसी तरीके से सपोज मैं यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया, तो इसका कॉलम हेडिंग क्या है, मीन्स इसका नेम क्या हुआ, T, और इसका सरनेम क्या हो गया, 16। तो इसका नाम क्या हो गया, T16। अब देख पा रहे हो यहाँ पे कि T16 करके नेम बॉक्स में शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप जहाँ भी कर्सर रहोगे आपका वो सेल का नेम बहुत आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जहाँ पे भी आप कर्सर को रखोगे वहाँ पे इसका सेल का नाम दिखाई देगा। तो स्टूडेंट आपको बता दूँ कि आपको सेल का नाम को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं एक्सेल में हमें सेल का नाम के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको फिर से मैं बता दूँ, ये हो गया कॉलम, ये जो स्टैंडिंग लाइन है सभी हो गया कॉलम हो गया, और ये जो स्लीपिंग लाइन है सभी हो गया रो, और एक एक बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, सेल। अभी मैं बता दूं कि आपको कहीं भी यहाँ से अगर दूर कहीं जाना है, समझ लो हमने क्या बात किया कि 16,384 क्या है ना, कॉलम है, और कितना रो है, 10,48,576 रो है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या, अगर आपको जाना है लास्ट तक तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सपोज आपको कोई भी ये दूसरा सेल में जाना है, तो आप यहाँ जस्ट नेम बॉक्स में क्लिक करोगे और उस सेल का नाम लेगा। सपोज मैं क्या टाइप किया, ABC, ठीक है। ABC क्या हो गया, उसका नाम हो गया, और उसका टाइटल क्या होगा, सरनेम क्या होगा, समझ लो मैं ABC 100 करता हूँ, मीन्स कॉलम हेडिंग हो गया ABC और रो हेडिंग हो गया 100। जैसे आप एंटर दबाओगे आप देख पा रहे हो कर्सर यहाँ पे आ चुका है, देखो ABC एंड यहाँ से आप रो हेडिंग देखोगे 100, ठीक है। इस तरीके से आप कहीं भी जाना चाहते हो, आपको DFR आपको 10,000 तो भी आपको वहाँ तक दिखाई देगा। देखो DFR इसका कॉलम हेडिंग हो गया,
रो हेडिंग हो गया 10,000। तो आपको अभी लास्ट कॉलम तक जाना है, तो हमने क्या बात किया था, जो कॉलम हेडिंग क्या है XFD और जो रो हेडिंग क्या है 10,48,576। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो XFD 10,48,576 करके जैसे एंटर दबाओगे आपका क्या होगा कि लास्ट कॉलम में रो तक आपको दिखाई, इसके बाद देखोगे तो कोई भी रो या कॉलम आप नहीं कर सकते क्योंकि एकदम लास्ट में आ गया XFD और यहाँ पे देखता है 10,48,576। तो आपको ये सिर्फ एक शीट में, तो ये इनटू अगर 255 करोगे तो कितना सारा हम डेटा लिख सकते हैं इसके अंदर आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर से अगर स्टार्टिंग में जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, आपको A1 लिख सकते हो, तो आपका एक कॉलम के अंदर वन रो में आप पहुँच जाओगे। देख जैसे आपने किया A1 में आ चुका। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉलम हेडिंग रो हेडिंग देख सकते हैं। अभी बात है कि एक्सेल से हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हमने वर्ड में क्या क्या सीखा कि कुछ भी आपको अगर डॉक्यूमेंट टाइप करना है, कुछ भी आपको लेटर बनाना है या आपका रेज्यूम बनाना है और कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है, आप वर्ड में टाइप करके उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं कि आपको कुछ भी अगर कैलकुलेशन करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको डिवाइडेशन एडिशन व सब्सट्रैक्शन जो भी प्लस माइनस भाग्या गुणिया जो भी आपको करना चाहते हो सारे काम आप एक्सेल में बहुत इसी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका यूजेस कहाँ होता है कि सभी कंपनीज व स्कूल्स में क्या होता है ना, डेटा को मेंटेन करने कैलकुलेट करने के लिए, सपोज़ कि आप रिजल्ट अगर बनाना चाहते हो स्टूडेंट का कि एक स्कूल में कितना स्टूडेंट्स है, उनका क्या मार्क्स है, क्या परसेंटेज है व क्या ग्रेड से, सभी आप यहाँ पे सीख सकते हो, सभी आप यहाँ पे बना सकते हो। व आपका किसी शॉप का अगर स्टोर मैनेजमेंट करना है, स्टोर मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है कि आपके पास कितना सामान आया और कितना आपने सेल किया, कितना आपके पास बैलेंस है, आपको कितना मंगाना है, सभी आपको यहाँ से आप मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये होता है स्टोर मैनेजमेंट करना, मतलब जो भी कैलकुलेशंस का काम होता है ना सभी काम आप यहाँ पे कर सकते हो एक्सेल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस वीडियो में यहाँ तक ही बात करेंगे और बाकी इसको कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करना, कैसे हमने डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन करना, जो भी काम हमें करना वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा मैं। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।